minus 3, 1 by 3 and minus 3. अब आप ये values इसमें put कर दे बेटा, तो हमारे पास BC की दो position होंगी, ठीक है, और BC line इस point से pass हो रही थी, सिर्फ unknown क्या था, M. तो बहुत ही अच्छा question था, और देखो यार, इसके पहले जो concept बताया है, उस पर ध्यान दो, उसका title ध्यान रखो, कि if line equally inclined with two given lines, then ये, okay? अब लिखिए next. अब दूसरा पॉइंट देखें, एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस की एप्लीकेशन है बेटा ये, ओके. अब मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, एक लाइन है जो x1 y1 से पास हो रही है. इफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, मेकिंग एन एंगल अल्फा, making an angle alpha with given line, with given line y बराबर mx plus c. टाइटल लिखो, if line passing through x1 y1, if line passing through x1 y1 making an angle alpha with given line y बराबर mx plus c, with given line y बराबर mx plus c. बेटा एक लाइन निकालनी है हमको, और ये जो लाइन है वो x1 y1 से पास हो रही है, ओके. और ये जो लाइन है वो आगे जाके एक दूसरी लाइन से अल्फा एंगल बना रही है, और ये जो दूसरी लाइन है ये गिवन है बेटा, ये गिवन लाइन है. और ये है अननोन लाइन. अब देखिए आप ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही गजब का फॉर्मूला दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कि ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी. तो आंसर दे रहा हूं डायरेक्ट, y माइनस y1 tan थीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू x माइनस x1, ये है फाइनल आंसर. वेयर थीटा, थीटा क्या है बेटा, गिवन लाइन का इंक्लिनेशन. बेटा गिवन लाइन की स्लोप क्या है, m, और m को मैं क्या लिखता हूं, tan ऑफ, tan ऑफ थीटा. तो थीटा बराबर क्या जाएगा, tan वर्स m. और अल्फा गिवन है बेटा, अल्फा गिवन है, ये है वो अननोन लाइन, अननोन लाइन गिवन लाइन से अल्फा एंगल पर. तो बेटा याद रखना, ये डायरेक्ट आंसर दे दिया मैंने, ये है वो लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस अल्फा. देखो ये कैसे आया, मैं आपको ऐसे ओरली बता देता हूं, आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये अननोन है, इसकी स्लोप अननोन है, क्योंकि पॉइंट तो गिवन है, और यदि मेरे पास स्लोप आ जाएगी तो मैं लगा दूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म. ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो है, वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन. तो ये जो एम है, अब इस m को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए देखो उसने बोला है कि ये लाइन इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो इन दोनों लाइन के बीच एंगल क्या है, अल्फा. तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ, मॉड ऑफ m1 माइनस m2. ये क्या है, m1, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है, m1, m1 क्या है बेटा, m माइनस m2. ये m2 मतलब m1 हमें फाइंड करना है, ये m2 हो गया, m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m m1. तो बेटा m गिवन है और m1 अननोन है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी, ये पूरा m है बेटा, ये आ गया अननोन लाइन का स्लोप. तो ये जो m, सॉरी m1 की वैल्यू है, m1 मतलब अननोन लाइन की स्लोप. m1 जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m1 की जो वैल्यू होगी वो ये होगी. तो मैंने डायरेक्ट दे दिया आपको m1 क्या आ गया बेटा, इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर, इसमें लगाएंगे tan a plus b का फार्मूला. तो tan थीटा प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन वन माइनस प्लस tan थीटा tan अल्फा, वेयर tan थीटा m, यहां m लिख देंगे और अल्फा का टेन ले लेंगे तो
ये आ जाएगा दूसरा, और पूरा जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यूज, यहां पर m की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस साइन से एक माइनस साइन से। तो बेटा इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ रिजल्ट याद रखें कि जब भी एक लाइन एक गिवन लाइन के साथ कुछ एंगल बनाती है तो फट से ये फार्मूला, ये m1 अननोन है और मैंने इस तरीके से निकाला एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये मैंने इसका डायरेक्शन बता दिया कि ये कैसे आया बेटा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे और यहां से जो m1 की वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगी, तो इसको अच्छे से नोट कर लें आप। अब देखिए इस पर हम इलस्ट्रेशन करते हैं, आर्टिकल पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पेज नंबर 17 आपके पैकेज का क्वेश्चन ले लेते हैं, पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 थ्रो द पॉइंट 3,4। बेटा 3,4 से दो लाइन निकल रही है, ठीक है 3,4 3,4 से दो लाइन निकल रही है, ओके अब ये लाइन एक गिवन लाइन के साथ, गिवन लाइन है बेटा x माइनस वाई बराबर 2 के साथ 45 एंगल बना रही है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। ये लाइन मेरे को कैलकुलेट करनी है और ये दो लाइन है बेटा, ओके मैंने अभी एक ही बनाई है बट m की यहां पर 100% दो वैल्यू आएंगी। चलो करते हैं, पॉइंट गिवन है, अल्फा गिवन है, अच्छा गिवन लाइन की स्लोप क्या है, गिवन लाइन की स्लोप, गिवन लाइन की स्लोप है m, m क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, tan थीटा की वैल्यू है बेटा 1 और अल्फा क्या है बेटा 45, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा 1, tan अल्फा 1 है और ये x1 y1 है, तो अभी फार्मूला दिया लगाओ डायरेक्ट y माइनस 4 tan theta plus minus tan alpha upon 1 minus plus tan theta into tan alpha, okay, into x minus x1, x1 क्या है x1 3। अब एक काम करो, एक बार positive sign लो और values put कर दो, tan theta की value क्या है 1, tan alpha की value 1, तो 1 plus 1 2 upon 1 माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये जीरो इधर गया तो x बराबर आ गया बेटा 3, फर्स्ट लाइन आ गई बेटा x बराबर 3। चलो अब सेकेंड आंसर, सेकेंड केस कौन सा होगा, नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन से कैलकुलेट करो y माइनस 4, y माइनस 4 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा 1 और ये 1 प्लस 1 एक्स माइनस 3, तो y बराबर आ गया बेटा 4, ये है फाइनल आंसर। तो एक लाइन है बेटा x बराबर 3 पैरेलल टू y एक्सिस और एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक लाइन गिवन लाइन से कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, तो बेटा मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लगा दिया y माइनस y1, y माइनस y1 tan थीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बेटा ये वो लाइन है जो गिवन लाइन से कुछ एंगल बनाती है और x1 y1 से पास होती है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है मेरा, अभी अभी मैंने पढ़ाया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर से उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे पॉइंट है x1 y1 और लाइन है l, तो बेटा इसको बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूं कि भाई फुट क्या होता है, फुट निकालते कैसे, फार्मूला क्या दिया था मैंने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लेकिन मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट
with respect to line, mirror image of a point with respect to point. देखिए ये पॉइंट है बेटा और इस पॉइंट का मुझे इस लाइन के ऊपर मिरर इमेज निकालना, ये लाइन मिरर है बेटा, लाइन मिरर. ओके आप बताइए, आप ये तो क्या था बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूं. अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज यहां कहीं आएगा. ये है मिरर इमेज. तो आप मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 100% इक्वल होगा बेटा. ये इसका मिरर इमेज है, इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ये, और ये मेरे को कैलकुलेट करना है. इसको बोलेंगे मिरर इमेज. और ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. और कंसेप्ट क्या लगाएंगे हम कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी. तो एक काम करते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं और ये पी और ये एल. तो बेटा ए क्या है, गिवन पॉइंट, पी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एल क्या है, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन. तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए आपको अभी अभी मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया, तो आप पी निकाल लेना पहले तो, और फिर लगा देना मिड पॉइंट थ्योरम. सपोज ये पॉइंट है अल्फा बीटा और ये पॉइंट है एच कॉमा के. एच के निकालने का तरीका मैंने बताया, अब आप लगा देना मिड पॉइंट थ्योरम. तो एच बराबर क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस एक्स वन बाई टू, और के बराबर क्या होगा, बीटा प्लस वाई वन बाई टू. यहां से आपको अल्फा बीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी. ये मिड पॉइंट क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है. एपी इज इक्वल टू पीएल, एपी इज इक्वल टू पीएल. तो जब भी आपको मिरर इमेज निकालना हो तो आप पहले फुट निकालना और फिर लगा देना मिड पॉइंट फिर. एक तरीका भी हो गया. अब देखिए आप ध्यान से देखना, बहुत ही गजब की ट्रिक, आप डायरेक्ट मिरर इमेज निकाल सकते हो. देखिए ये तो हो गया पूरा सब्जेक्टिव तरीका. अब डायरेक्ट आपको मिरर इमेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एच के इसको मैं नीचे खिसका के अल्फा बीटा को हटा के एच के लिख रहा हूं. अब फार्मूला हो जाएगा एच माइनस एक्स वन अपॉन, मान लीजिए लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. बेटा लाइन गिवन है और पॉइंट गिवन है. एच माइनस एक्स वन अपॉन ए, के माइनस वाई वन अपॉन बी, माइनस टू इंटू पॉइंट उठा के लाइन में रख दो, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बेटा ये मैंने दे दिया आपको मिरर इमेज का फार्मूला. आप देखिए यही फार्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर करता, बट वहां पर टू नहीं था, यहां पर टू है. अब सुनिए, यहां एच के जो है वो मिरर इमेज है, वो पहले जो एच के थे वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर विथ टू, मिरर इमेज विदाउट टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर. यदि टू के अलावा बात कर रहे हैं तो फुट का फार्मूला हो गया ये, यही फार्मूला फुट का है और यही मिरर इमेज का है. सिर्फ आपको टू को हटाना है और लगाना है. यदि टू को हटाते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और टू को लगाते हैं तो सीधा आ गया क्या, मिरर इमेज. तो बेटा आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना, वेयर एच के, वेयर एच के मिरर इमेज. अब ये एच के मिरर इमेज हो गए. ध्यान रखना, ये तो हो गया पूरा सब्जेक्टिव, ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया. तो बेटा यदि आप टू लगाते हैं तो वो फार्मूला बन जाता है मिरर इमेज का, और टू हटाते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर. इसको नोट कर लें बेटा, आपके पास एक लाइन मिरर है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स और पॉइंट है टू कॉमा थ्री. चलो कैलकुलेट करो मिरर इमेज. बेटा इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालना है. यहां कैलकुलेट करो, लगाओ वो फार्मूला, और ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो
तो बेटा मैं आपसे मिरर मेज पूछ रहा हूं, पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर मेज। तो बेटा कैलकुलेट कर लो आप, फार्मूला लगाना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अब कुछ स्पेशल केस बता रहा हूं, ध्यान देना सभी। बेटा ये ओरिजिन है, एक्स वाई प्लेन। मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई। और मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक्स एक्सिस पर मिरर रख दिया, मिरर मैंने रख दिया एक्स एक्सिस पर। तो आप बताइए इस पॉइंट का जो मिरर इमेज होगा, सपोज ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मिरर इमेज कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ में। और मिरर इमेज क्या जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मान लीजिए मिरर मैंने यहां रख दिया, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज सेकंड में पहुंच जाएगा और वो होगा क्या, माइनस एक्स कॉमा वाई। बेटा मैं क्या सिखा रहा हूं कि यदि एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और मिरर रख दिया मैंने एक्स एक्सिस पर, तो मेरा मिस कहां पहुंच जाएगा, फोर्थ में। और यदि सेकंड में तो यहां पहुंच जाएगा, थर्ड में। वो डिपेंड करता है एक्स और वाई की वैल्यूज पर। आप तो एक काम करना, यदि पॉइंट का एक्स पर मिरर निकालना है, मेरा मेज, तो एक्स में नो चेंज, वाई में साइन अपोजिट, यहां प्लस वाई है और यहां माइनस वाई। तो लिखे फर्स्ट पॉइंट, यहां पॉइंट बना के चले, फर्स्ट पॉइंट लिखे मिरर इमेज ऑफ पी, मिरर इमेज ऑफ एक्स कॉमा वाई, मिरर इमेज ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एक्स कॉमा माइनस वाई, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एक्स कॉमा माइनस वाई। सेकेंड पॉइंट लिखे, सेकेंड पॉइंट मिरर इमेज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई। अब मैंने वाई एक्सिस पर मिरर रख दिया, ओके, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, अब मैं मिरर यहां रख देता हूं ओरिजिन पर, यहां ऐसा मैंने मिरर रख दिया। अब मैंने यहां मिरर रख दिया ऐसा, तो इस पॉइंट का जो मिरर इमेज होगा वो यहां जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। लिखे मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मैंने ओरिजिन पर मिरर रख दिया, तो इसमें क्या होगा, अपोजिट साइन हो जाएंगे दोनों के, दोनों के साइन अपोजिट, माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, देन फोर्थ पॉइंट देखें आप, देखना बेटा फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है और एक लाइन है वाई बराबर एक्स, ये लाइन वाई बराबर एक्स है बेटा, वाई बराबर एक्स क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, मेकिंग एन एंगल 45 45 विथ एक्स एंड वाई। बेटा ये जो लाइन है वो 45 45 एंगल बना रही है। अब मैं यदि आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट का इस लाइन पर, अब मैंने मिरर रख दिया यहां पर, इस लाइन पर रख दिया वाई बराबर एक्स पर, तो बेटा इस पॉइंट का मिरर इमेज यहां आ जाएगा और वो होगा बेटा वाई कॉमा एक्स। याद रख लो बेटा, बहुत काम आने वाला है, पॉइंट का मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एक्स, y कॉमा एक्स, जस्ट इंटरचेंज। आप सिर्फ इंटरचेंज करें x के प्लस पर y, y के प्लस पर x। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि 2.3 का मिरर इमेज निकालो विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x, तो आप बोलेंगे 3.2, डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं y कॉमा x, इंटरचेंज करना है बेटा। तो ये फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। आप फिफ्थ पॉइंट देखें, अब यदि आपसे पूछा जाए
कि x, y का मिरर इमेज y इज इक्वल टू माइनस एक्स. वैसे देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूं. ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स. अलग से यहां पर बना देता हूं, ये y इज इक्वल टू एक्स. हाँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स. अब मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये अलग था बेटा, यहां पर ओरिजिन पर मैंने मिरर रखा था. अब मैं रख रहा हूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स पर मिरर इमेज. मेरा मिस निकाल रहा हूं y इक्वल टू माइनस एक्स पर. तो क्या होगा, x कॉमा वाई को पलट देना और माइनस आई लगा देना दोनों में, क्योंकि देखो y किसके इक्वल है? माइनस एक्स के. और x किसके इक्वल है? माइनस वाई के. तो इसका जो मेरा मिस आएगा वो आएगा यहां थर्ड में आएगा, और वो होगा माइनस y कॉमा माइनस एक्स. आप इन सबको वेरीफाई कर सकते हैं उस फॉर्मूले से, ये डायरेक्टली आप आंसर दे रहे हैं बेटा. यदि पॉइंट P का y बराबर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल रहे हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल रहे हैं, तो आप क्या करना, पहले तो इंटरचेंज करना, x के प्लेस पर y लिखना, y के प्लेस पर x लिखना, और दोनों में माइनस लगा देना. क्योंकि आप ध्यान से देखें y माइनस एक्स के इक्वल है, और यदि ध्यान से देखेंगे तो x माइनस y के इक्वल है, मतलब y माइनस x है और x माइनस y है. तो पहले तो आप इंटरचेंज करें और फिर दोनों में माइनस साइन लगा दे. जैसे 2.3 का मैं बोलूं 2.3 का मिरर इमेज निकालें y इज इक्वल टू माइनस एक्स पर, तो क्या होगा 2.3 का 3.2 करो पहले तो, और दोनों में माइनस लगा दो, माइनस 3 माइनस 2 आंसर. तो बेटा टोटल यहां पांच केस मैंने बताए आपको, और बहुत बेसिक्स है यार ये, इनका नॉलेज होना जरूरी है. तो अब जाके कंप्लीट हुआ मिरर इमेज. तो आपने इसके पहले क्या पढ़ा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर उसका मिरर इमेज निकालना भी सीखा. तो आप यदि आपके पास एक पॉइंट है और एक लाइन मिरर है और आपको इमेज निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे विदाउट टू या विथ टू? विथ टू. फार्मूला क्लियर है, एच माइनस एक्स वन, एच माइनस एक्स वन अपॉन ए, के माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर माइनस टू ए एक्स वन बी वाई वन सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूले से आप h और k निकालेंगे, और इन पांचों पॉइंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है. और ये क्या था बेटा, y बराबर x पर, यदि y बराबर x पर आपको मिरर इमेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट की पोजीशन को इंटरचेंज, x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x. और यदि y इक्वल टू माइनस एक्स पर निकालना है, तो इंटरचेंज भी करो और दोनों में माइनस साइन लगा दो, दोनों में अपोजिट साइन, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो. अब देखना बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना सभी. बेटा मेरे पास एक लाइन मिरर है, लाइन मिरर गिवन है, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम है, लाइन मिरर गिवन है. मैंने एक लाइन मिरर ले लिया, ओके. अब एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, मान लीजिए इंसिडेंट रे 5.6 से पास हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे 7.2 से पास हो रही है. बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना. एक लाइन मिरर गिवन है, लाइन मिरर गिवन है, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये लाइन मिरर है, ठीक है, और ये उसका नॉर्मल हो गया. ये तो आप जानते होंगे कि लाइन मिरर का ये परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका नॉर्मल. तो बेटा देन फाइंड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. एक बार ट्राई करो आप, मैं आपको टाइम देता हूं. आपके पास लाइन मिरर है और इंसिडेंट रे निकालनी है और रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है. बेटा सुनो, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है. अब मैं क्या करूंगा, इस रिफ्लेक्टेड को पीछे एक्सटेंड कर देता हूं,
ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, रिफ्लेक्टेड को पीछे ऐसा एक्सटेंड कर दिया और इंसिडेंट को ऐसा रिफ्लेक्ट ऐसा एक्सटेंड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आप कंसेप्ट क्या है, मैं क्या करूंगा इस पॉइंट का इस लाइन पर निकालूंगा मिरर इमेज, तो वो 100% यहां आएगा। जब मैंने इसको पीछे किया था ना, तो इसका मिरर इमेज इसके ऊपर आया है ऐसा। तो बेटा वो जो फार्मूला दिया ना, विदाउट टू नहीं, विथ टू वाला फार्मूला, ये पॉइंट और ये लाइन, तो ये मिरर इमेज। आप क्या करेंगे, एक पॉइंट ये आ गया बेटा और एक पॉइंट ये आ गया, लगा दो टू पॉइंट फॉर्म, तो यह जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। और ऐसे ही सेम अप्रोच यहां लगाएंगे, इस पॉइंट का इस लाइन पर मिरर इमेज यहां कहीं होगा, और इसको मैंने पीछे किया, फिर लगा देंगे टू पॉइंट फॉर्म, तो बेटा वो जो फार्मूला मैंने दिया ना, वो दो बार लगाना है। चलो स्टार्ट कर दो, लेट ये पॉइंट एच कॉमा के। अब इस पॉइंट का इस लाइन पर मिरर इमेज क्या होगा, एच माइनस फाइव अपॉन थ्री के माइनस सिक्स अपॉन फोर, पॉइंट को उठा के लाइन में रख दो, 15 24 माइनस फाइव अपॉन 25 और आगे माइनस टू। आप इसको सॉल्व करो, यहां से एच के मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट, और फिर लगा देंगे टू पॉइंट फॉर्म, तो मेरे को डायरेक्ट इंसिडेंट रे भी मिल जाएगी और रिफ्लेक्टेड। बहुत ही जबरदस्त अप्रोच है बेटा ये, इस तरीके से करो। मैंने लाइन मिरर पर मिरर इमेज निकाला इस पॉइंट का इस लाइन पर, तो ये इसको जब पीछे करोगे तो इसी पर पड़ेगा वो, और इसको जब पीछे करोगे इस पर पड़ेगा वो। कैलकुलेट कर लो बेटा फटाफट, ये फार्मूला दो बार लगाना है, एक बार इसके लिए भी लगाना है और फिर टू पॉइंट फॉर्म। तो बेटा अब आप इस फार्मूले को दो बार अप्लाई करेंगे, यहां ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, फिर यहां लगा देंगे टू पॉइंट फॉर्म, यहां लगा देंगे टू पॉइंट फॉर्म। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपके पैकेज के, मेरा एक इलस्ट्रेशन लेके, क्लास इलस्ट्रेशन, लिखिए टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर गिवन बाय y बराबर 3/4 x एंड y बराबर 4/3 x। टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर गिवन बाय, बेटा एक रोम्बस है जिसकी दो साइड्स गिवन है, ओके। इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल OC इज 12, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। देखिए बेटा इसका मीनिंग बता देता हूं मैं आपको, बेटा एक रोम्बस है और उस रोम्बस की दो साइड्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये है वो दो साइड्स। अच्छा ध्यान से देखो, ये दोनों साइड्स पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो एक साइड ऐसी बना दी मैंने और एक ऐसी बना दी, ये ओ। अब देखिए ये दो साइड्स मैंने बना दी, अब यहां पर मुझे एक रोम्बस बनाना है, ये बना दिया एक रोम्बस, अब ये ओ ए लाइन मान लो इसको और ये ओ बी। अच्छा ओ सी जो लाइन है, ओ सी की डिस्टेंस, ओ से सी तक की डिस्टेंस दी है 12, ओ से सी तक की डिस्टेंस है 12, ओके। ओ ए गिवन है बेटा वाई बराबर 3/4 एक्स एंड ओ बी गिवन है वाई बराबर 4/3 एक्स।
और ये दोनों साइड्स मैंने कहां प्लॉट की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा उसने बोला था। तो वो पूछ क्या रहा है बेटा, अदर टू साइड्स, एसी पूछ रहा है आपसे और बीसी पूछ रहा है। बेटा ये है डायग्राम, अब एक बार आप ट्राई करें इसको, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये रॉम्बस है और दो साइड्स गिवन है और लॉन्गर डायगोनल की जो लेंथ है वो 12 है, देन पॉइंट एसी एंड बीसी। एक बार ट्राई करो इसको, डायग्राम को ध्यान से देखें, ये ओ ए, ओ ए सी बी, बेटा ये क्या है बेटा, रॉम्बस, और रॉम्बस में ये खूबी होगी कि ये जो ओसी है, ओसी लाइन ओ ए और ओ बी से इक्वली इंक्लाइंड होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी। तो एक काम करते हैं, अच्छा एक और बात कि OA और BC की स्लोप सेम होगी, क्योंकि रॉम्बस में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो OA पैरेलल टू BC और AOB पैरेलल टू AC। तो बेटा AC की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC is equal to 4/3 and slope of BC is equal to 3/4। तो बेटा स्लोप तो आ गई, बस तेरे पेरे को ये सी पॉइंट मिल जाए तो मैं दोनों लाइन एक साथ निकाल सकता हूं, लाइन की स्लोप है, सिर्फ पॉइंट मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो सी के लिए आपको ऑरिजिन से चलना है 12 डिस्टेंस, और यदि मेरे को इसकी डायरेक्शन मिल जाए, ये डायरेक्शन विथ एक्स, मान लो ये डायरेक्शन है थीटा, तो बेटा ये थीटा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए ओसी जो लाइन है, सपोज ओसी की लाइन, ओसी लाइन की स्लोप है एम और ओए की स्लोप क्या है 3/4 और ओबी की स्लोप क्या है 4/3। अब ये लाइन इन दोनों लाइन से इक्वल इंक्लाइंड है, तो रिजल्ट हमने बताया आपको m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 3m बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस 4/3 1 प्लस 4m बाय 3। बेटा इसको फर्दर सॉल्व, यहां से m की वैल्यू बताएं, कैलकुलेट करो और एम की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 1। एम आएगा बेटा 1, और जैसे ही एम 1 आया तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1, तो थीटा बराबर आ गया 45। तो देखो भाई थीटा आ गया 45। अब सुनिए, पॉइंट है, डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, अब लगाएंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। चलो सी के कोऑर्डिनेट्स, 0 प्लस 12 कॉस 45, 0 प्लस 12 साइन 45, 45। तो बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या आ गए, 12 बाय रूट 2 12/√2, यह है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। स्लोप है, पॉइंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो एसी लाइन क्या होगी, एसी लाइन y माइनस 12/√2 इज इक्वल टू, एसी की स्लोप क्या है 4/3, x माइनस 12/√2। बेटा अब आप सॉल्व कर लेना, ये आ गया एसी लाइन, इसी तरीके से बीसी लाइन लगा लेना, बीसी लाइन भी सी से जा रही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, और कंसेप्ट देखो मैंने बोला भी है बेटा कि ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही गजब का है। ये कब लगाते हैं, जब एक लाइन दो लाइन से इक्वली इंक्लाइंड हो,